नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, 10 विकेट लेकर एजाज पाटिल ने तोड़ा अनिल कुंबले का रिकॉर्ड, मचा दी सनसनी। सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं दूसरे कीवी गेंदबाज। न्यूजीलैंड के एजाज पाटिल टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सभी 10 विकेट चटकाने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड के पहले गेंदबाज भी बन गए हैं। भारत के खिलाफ मुंबई में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में उन्होंने ये खास उपलब्धि हासिल की है। एजाज से पहले इंग्लैंड के जिम लेकर और भारतीय दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले ने ये कारनामा करके दिखाया है। जिम लेकर ने जुलाई 1956 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 विकेट हासिल किया था, जबकि अनिल कुंबले ने फरवरी में 1999 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट झटका था। टीम इंडिया के सभी 10 विकेट झटकने के बाद एजाज पाटिल और टीम इंडिया को लेकर ट्विटर पर यूजर्स तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक तरफ पाटिल की तारीफ हो रही है तो दूसरी तरफ टीम इंडिया को जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है। लोग जमकर टीम इंडिया के मजे ले रहे हैं और तरह तरह के मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। और कहा जा रहा है कि टीम इंडिया के काफ़ी सारे बल्लेबाज तो ऐसा लग रहा था कि जानबूझ करके एजाज पाटिल का ये रिकॉर्ड बनवाना चाहते हैं, और इसी वजह से टीम इंडिया जानबूझ करके अपने दसों के दसों विकेट एजाज पाटिल के हाथ में फेंक करके चली गई। दोस्तों, बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन एजाज पाटिल ने इतिहास रच दिया है और उन्होंने ये जो कारनामा करके दिखाया है ये हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा। और जब भी एक मैच में 10 विकेट लेने वाले गेंदबाज का नाम आएगा तो अब एजाज पाटिल का नाम भी याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस खास उपलब्धि को अपनी मेहनत और लगन की वजह से हासिल कर लिया है। बात करें अगर इस मैच की तो जी हाँ, आपको बता दें टीम इंडिया के गेंदबाजों ने भी इस मैच में बेहद ही खास आज कारनामा करके दिखाया। जहाँ टीम इंडिया ने मयंक अग्रवाल की शानदार 150 रनों की पारी की बदौलत 325 रन पर पहुंच पाए थे, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला कि आज दोस्तों न्यूजीलैंड की एक भी प्लेयर ज्यादा कुछ खास कर ना सका। काइल जेमिसन ने ही मैक्सिमम 20 रन के आसपास बनाए हैं और इसके अलावा पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ और सिर्फ 62 रनों पर ही ठह गई, 62 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। और इसके बाद टीम इंडिया बहुत अच्छी खासी बढ़त लेकर आगे पहुंच चुकी है और इसके बाद अब एक बार फिर से भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए प्लेयर उतर चुके हैं और टीम इंडिया एक बार फिर से इस पर बढ़त बनाना चाहेगी। जहां मयंक अग्रवाल 5 रन बनाकर खेल रहे हैं तो चेतेश्वर पुजारा अभी भी 15 रन बनाकर के खेल रहे हैं और यहां पर सुमन गिल को रोका गया है। तो इस तरह से टीम इंडिया एक बार फिर से मैच में उतर पड़ी है और एजाज पाटिल ने इस मैच में बेहद ही खास कारनामा, बेहद ही खास रिकॉर्ड बना दिया है। उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया इतना सब कुछ होने के बाद भी इस मैच को बहुत आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि टीम इंडिया ने पहली पारी में बहुत बड़ी बढ़त बना ली है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।